समझ, जहां तक किसी भी तखयल का ताल्लुक है, वो आइडिया जो आप बहसियत इंसान अपने दिमाग के अंदर उभरते देख रहे हैं, उसका किसी पैदाइश में इजहार यकीनन उसे गुफ्तगू का अंदाज कहते हैं, लेकिन इसको नज्म सब में बंद करके इंतहाई खूबसूरती के साथ मौजान की तरतीब देकर और इसके जेर पर का अंदाजा लगा कर उसे बात की जाती है तो उसे शेर कहते हैं। शायरी यकीनन असनाफ गुफ्तगू में सबसे बाला और सबसे बढ़कर है। शायर का मिजाज इस मुआशरे के रहने वाले दीगर लोगों से बिल्कुल अलग थलग होता है। वो अपने जैसे शायरों में बैठ के यकीनन एक ऐसा हिज उठाता है और वो एक ऐसा एहसास उसे मिलता है कि शायद इस मुआशरे की दीगर तबका है कि उसमें बैठ कर उसे वो अंदाज नहीं मिलता। इसीलिए शोरा की सबसे पहली और सबसे आखिरी ख्वाहिश यही होती है कि उनकी तख्लीक यानी उनका शेर और उनके नज्म ज़ब्त बंदी नज्म न सिर्फ उसका इजहार हो बल्कि इस इजहार में वहां बैठे हुए लोग ऐसे अंदाज से उसकी तारीफ करें कि इसे उमूमन वाह वाह या मुकर्रर कि इसको दोबारा पढ़िए उसी अंदाज से उसका खून बढ़ाती रहती है। ऐसे अंदाज में प्रोफेसर अनवर मसूद जो मजाहिया शहरी के दौरे हाजिर थे शहनशाह हैं, वो अपनी एक बहुत ही खूबसूरत नज्म जो उन्होंने कही और शायद हमारे जितने भी आज कल के कॉलेजेस हैं वहाँ के पढ़ने वाले नौजवानों के लिए एक ऐसा मजाहिया अंदाज पेश करती है कि हर कॉलेज में आप इसे देखते रहते हैं। कहते हैं बनाइन लैंड जानते हो, बनाइन लैंड जानते हो, बनाइन लेके आते हो, बनाइन लैंड जानते हो, बनाइन लेके आते हो, बनाइन उसी पाते हो तब पैंदी नहीं, बनाइन लैंड जानते हो, बनाइन लेके आते हो, बनाइन उसी पाते हो तब पैंदी नहीं, जे पै जाए तो लेंदी नहीं, बनाइन लैंड जानते हो, बनाइन लेके आते हो, बनाइन उसी पाते हो, बनाइन पैंदी नहीं, जे पै जाए तो लेंदी नहीं, जे ले जाए तो दूजी बार पाट लेगी। बनैन तो सू मैं देगा, बनैन मेरी वजी है, बनैन मेरी टॉप की आ जाए वे छोटे अंदे नाप दी। तो ये भी अंदाज शायरी का जो होता है वो दिल दिल के अंदर उतरता है बाहर।